मैंने अपना स्किन यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है। मेरे फेस और नेक कलर सेम है क्योंकि मेरे सामने एक रिंग लाइट है, उसके लिए ऐसा लग रहा है कि नेक का कलर डिफरेंट है। बाहर बहुत बारिश हो रहा है इसलिए आई एम अनेबल टू शूट आउटसाइड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कैसे आप अपना स्किन ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो भी बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ। आज मैं कुछ ऐसे DIYs आपको बताने वाली हूँ जो आपके किचन में आपको मिल जाएगा। जो सीरम्स मैं आज बताने वाली हूँ इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरा टैन रिमूव करने के लिए, सो सीरम्स को नोट करके रखना। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लेंजर्स एंड फेस वॉशेस। सो पहला जो फेस वॉश मुझे बहुत पसंद है वो है फॉक्सटेल का ये वाला फेस वॉश। ये बहुत अफोर्डेबल है और ये आपका मेकअप भी रिमूव कर सकता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई करना। ये सिंपल का ये जो काइंड टू स्किन ये जो फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल भी है। और सबका लिंक जो प्रोडक्ट्स मैं आज बोल रही हूँ बता रही हूँ जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आज बताऊंगी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन कम्स सेटफिल। सेटफिल का एक नॉर्मल टू ड्राई क्लेंजर भी आता है और एक ऑयली स्किन के लिए भी आता है। मेरा स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो उसके लिए मैं ये ऑयली वाला क्लेंजर यूज करती हूँ सेटफिल का। फिर डॉटन की का भी काफी अच्छे फेस वॉशेस आते हैं। आप ये दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, आप इनसे कोई भी एक ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। और क्विंच का बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं अफोर्डेबल रेंज में। ऑलमोस्ट सारी फेस वॉशेस मैंने क्विंच का यूज किया हुआ है पास्ट में, मैंने हर एक फेस वॉश ट्राई किया हुआ है पास्ट में। और आपका अगर कोई फेवरेट फेस वॉश है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगी। Now let's talk about toners. अब देखो toners आप चाहो तो skip भी कर सकते हो, पर जब हमें like हमारे skin को transform करना है ना तो उनको ज्यादा hydration देने की जरूरत होता है, तो आप क्या कर सकते हो, toner एक बहुत affordable सा आप ले सकते हो। मैं अभी आपको बहुत सारे affordable recommendations दे दूंगी। फर्स्ट है ये इंडल्जियो एसेंशियल्स का विच हेजल फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वाला टोनर। ये बहुत अच्छा है, इसमें विच हेजल है तो आपका ऑयल बहुत अच्छे से ये बैलेंस करेगा, तो ये एक आप ले सकते हो। फिर सबसे अगर आपको कोई टोनर में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप रोज वाटर ले लो, कोई भी एक रोज वाटर ले लो। रोज वाटर वर्क्स लाइक मैजिक इन टोनर्स, अफोर्डेबल बट बहुत अच्छा। तो ये है विश केयर का ये वाला रोज वाटर। और एक रोज वाटर जो मुझे काफी पसंद है वो है फॉरेस्ट एसेंशियल्स का ये वाला रोज वाटर, ये भी अफोर्डेबल है, आप इसे भी ले सकते हो। एंड सिंपल का टोनर भी काफी अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीरम्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जिन्होंने मेरा स्किन वहां से वहां ट्रांसफॉर्म करने में काफी हेल्प किया है, मेरा टैन स्टबर्न टैन को रिमूव करने में हेल्प किया है। फर्स्ट मेरा फेवरेट सीरम है वो है फॉक्सटेल का HBH सीरम। ये काफी अच्छा है, इसे आपको हफ्ते में हर दिन नहीं लगाना है, हफ्ते में एक से दो बार, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट फेवरेट मेरा ये डीकंस्ट्रक्ट का विटामिन सी सीरम है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत स्टेबल है, लाइक ऑलमोस्ट सबको ये अच्छे से सूट हो जाता है। फिर भी आप पैच टेस्ट कर लेना इसको यूज करने से पहले, ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा है। इंडियन मार्केट में एक विटामिन सी सीरम लाइक ढूंढना बहुत मुश्किल है अच्छा वाला, ये बहुत अच्छा है। कैसे विटामिन सी सीरम यूज करते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में, इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। और ये फॉक्सटेल का भी विटामिन सी सीरम काफी अच्छा है। फिर ये फॉक्सटेल का नाइसिनमाइड सीरम बहुत अच्छा है। फिर प्लम का ये जो 5% नाइसिनमाइड सीरम है ना, ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से सूट हो जाता है हमारे स्किन को, जो इंडियन स्किन है ना इस पे बहुत अच्छा ये सूट हो जाता है। डीकंस्ट्रक्ट का ये जो बिगिनर्स एक्सफोलिएटिंग सीरम है ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप नया नया एक्सफोलिएशन कर रहे हो, केमिकल एक्सफोलिएशन अपने फेस के ऊपर, तो आप ये यूज कर सकते हो, ये काफी ज्यादा जेंटल है, आप इसे एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो। और अगर आपको कैसे एक्सफोलिएटिंग सीरम्स यूज करना है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं वीडियो बना दूंगी। और एक्सफोलिएशन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, आपको आई बटन पे सब कुछ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे के रखा है।
Now let's talk about moisturizers. आपने सब कुछ लगा लिया, अच्छा क्लेंजर यूज कर लिया, अच्छा सीरम यूज किया, टोनर यूज किया, पर अगर आपने मॉइस्चराइजर स्किप कर दिया ना, सब गया पानी में, पूरा मेहनत पानी में गया। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मॉइस्चराइज नहीं करने के लिए हमारा स्किन का हालत बहुत खराब हो रहा है। तो मैं आज आपसे मेरे फेवरेट मॉइस्चराइजर शेयर करूंगी और जो कि बहुत अफोर्डेबल होने वाले हैं। मॉइस्चराइजर में फर्स्ट जो है मेरा फेवरेट वो है पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर और ये पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइजर, दोनों ही काफी अच्छे हैं, आप कोई भी एक ले सकते हो। मेरा भाई बहुत ऑयली स्किन है, फिर भी मुझे लाइक ये जो लाइट मॉइस्चराइजर है ना, ये इसका क्रीमी टेक्सचर है, फिर भी मेरे ऊपर काफी अच्छे से ये काम करता है। देन आप सिंपल का ये मॉइस्चराइजर ले सकते हो, इसमें SPF 15 भी है तो वो प्लस बोनस है, तो आप ये भी एक बार ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा है। देन ये प्लम का जो मॉइस्चराइजर है ना, ये अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर है, मुझे काफी पसंद है, इसका टेक्सचर बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, आप इसे भी एक बार ट्राई कर सकते हो। देन सिंपल का और एक हाइड्रेटिंग जेल क्रीम आता है, ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी एक बार आप ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन। आपने सब कुछ लगाया, मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, फिर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हो डे टाइम पे, लाइक क्लाउडी डेज में भी आपको सनस्क्रीन यूज करना है, तो सनस्क्रीन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो ना, तो सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लाइक आपका स्किन कभी ठीक नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना ही है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एटलीस्ट SPF 30 ऐसा सनस्क्रीन आपको लेना है। ये कुछ मेरे फेवरेट सनस्क्रीन है। अभी मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपका काफी बजट में शॉपिंग हो जाएगा। जैसे कि जब सेल चलता है ना, तब आप प्रोडक्ट्स खरीदो तो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। और मेरे पास आपके लिए कुछ कोड्स है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो भी अगर आप यूज करोगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छा 20%, 15%, 25% डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। नाउ फॉर बॉडी, आपको स्क्रब्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉफी से बॉडी स्क्रब बना सकते हो, फिर आप माइक्रोफाइबर टॉल या कोई भी लाइक ग्लव्स, ये एक बार आप इन्वेस्ट कर लो, फिर ये बहुत टाइम तक आपके लाइक चलेगा, ठीक है। तो ये सब में आप इन्वेस्ट करो, लाइक बॉडी के लिए आपको कोई एक्सफोलिएटिंग सीरम आपको अगर नहीं भी यूज करना है ना, केमिकल एक्सफोलिएंट बॉडी के लिए आप नहीं भी यूज कर सकते हो, बॉडी के लिए फिजिकल एक्सफोलिएंट इज लाइक ओके टू यूज, तो आप ये ग्लव्स या माइक्रोफाइबर टॉल यूज करो तो बहुत टाइम तक चलेगा, तो आपको आप बजट में भी रह रहे हो और बहुत अच्छा एक्सफोलिएशन भी आपका हो रहा है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। देन राइस फ्लावर यूज कर सकते हो बॉडी पे, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है, चावल तो सबके घर में होते हैं। अभी मैं आपको कुछ DIYs बता देती हूँ जिन्होंने मुझे काफी हेल्प किया है। नंबर वन और सबसे अच्छा DIY जो है टैन रिमूवल के लिए, वो है कर्ड, उसके अंदर बेसन और एक चुटकी आपको लाइक टर्मरिक देना है, टर्मरिक पाउडर, और फिर उसको मिक्स करके आपको अपने फेस के ऊपर लगा लेना है, और फिर सेमी ड्राई हो जाए तब धो के आप अपना स्किन केयर रूटीन नॉर्मली कर सकते हो। आप देखेंगे लाइक अगर आप इसको लाइक हर एक हफ्ते में दो बार आप कर रहे हो ना, आप देखोगे अपने स्किन के ऊपर डिफरेंस, बहुत अच्छा डिफरेंस, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये अगर आप यूज करोगे ना, तो आपका टैन रिमूव होगा और आपके स्किन के ऊपर डिफरेंस आपको दिखेगा ही दिखेगा। आप मुल्तानी मिट्टी को एज अ फेस पैक यूज कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इसका पाउडर्ड फॉर्म, मैं भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे भी आप खरीद सकते हो। और अगर आपके आसपास भी दुकान होंगे, वहां जाके अगर आप पूछोगे ना, तो आपको वो ब्रिक फॉर्म में भी दे देंगे, वो अगर लोगे ना, और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, उसको आप पीस के लगा सकते हो, वो भी काफी अच्छे से काम करता है। फिर कुछ भी ना हो तो आप बेसन लगा सकते हो, लाइक नॉर्मल बेसन जो हम खाते हैं, लाइक जिन बेसन से हम पकौड़ास बनाते हैं, वो भी आप लगा सकते हो, वो बेसन अपने फेस पे, आप देखोगे लाइक अगर आपने वो यूज किया ना एज अ फेस पैक हफ्ते में दो बार, तो आप देखोगे डिफरेंस। आप स्किन टोन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं, स्किन के हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपने स्किन के ऊपर आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि जो आप खाते हो, देखिए आप सारे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाते हो, कुछ भी कर रहे हो, पर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, फिर आप लाइक बहुत ऑयली जंक फूड्स खा रहे हो, सो इन सब से आपको इफेक्ट पड़ता है स्किन के ऊपर, तो आपको अच्छा डाइट लेना है, बैलेंस्ड डाइट, फिर आपको बहुत सारा पानी पीना है, डिटॉक्स वाटर्स पीना है, फिर आपको एक्सरसाइज करना है, कोई एक स्पोर्ट्स भी आप खेल सकते हो, तो ये सब अगर आप करोगे ना, तो आप देखोगे अपने स्किन के ऊपर बहुत अच्छा सा एक डिफरेंस।
आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से भी अपना स्किन का हेल्थ अच्छा रख सकते हो। मैंने मेरा सारा अफोर्डेबल फेवरेट प्रोडक्ट्स के नाम आपको बता दिया है, और अगर आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है जिन्होंने आपको काफी हेल्प किया है तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं भी एक बार ट्राई करना जरूर चाहूंगी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।